राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है। और राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे लगता है कि राजीव जी का स्वागत करने के लिए इस वक्त मंडोला जी हमारे साथ हैं। बुके देकर राजीव जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम दिन। और इसके साथ ही सरकार किस तरह से मिशन 2030 को लेकर राजस्थान सरकार जो है वो लगातार कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है। राजीव जी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर से ही मैं शुरुआत करूंगी, छोटे और लघु उद्योगों को लगातार राजस्थान सरकार जो है वो बढ़ावा दे रही है। हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने में ये कहा जा सकता है कि प्रमुख भूमिका है एमएसएमई सेक्टर की। क्या चुनौतियां आ रही हैं और कैसे कैसे हस्तशिल्पियों को इस सेक्टर के जरिए बढ़ावा मिल रहा है? धन्यवाद। राजस्थान जो है वो कला, संस्कृति, सभ्यता का पूरे देश के अंदर एक अतुलनीय उदाहरण है। और राजस्थान में जो हस्तकला है, राजस्थान की ज्वेलरी हो, राजस्थान की लकड़ी पे कार्विंग की कला हो, यहाँ की छपाई हो, वो पूरे देश दुनिया के अंदर पसंद करी जाती है, निर्यात होती है। और मुझे राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने। और कितना अच्छा काम कर रहा है इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 1961 में कॉरपोरेशन बना था और पिछले 62 वर्षों में जो मेरे कार्यकाल के 2 वर्ष रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के रहे, लाभ के रहे। इसमें जो हस्तकला से जुड़े हुए लोग बाग हैं, उनका प्रशिक्षण हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनके सामान का विपणन हो, उसके ऊपर हमने खास तौर से ध्यान दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम हमने चलाई, वो थी मिशन निर्यातक बनो। क्या होता है कि जो जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में बैठा हुआ एक शिल्पी कोई भी काम करता है, उसको वो बना के सप्लाई करता है किसी दिल्ली, बम्बई के, हैदराबाद के एक्सपोर्टर को, और वहाँ से वो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये निर्यात जो है वो काउंट होता है उस प्रदेश के अंदर। तो मैंने सोचा कि जो हमारे निर्माता हैं वो खुद निर्यातक बने, वो खुद एक्सपोर्टर बने। तो हमने स्कीम शुरू करी मिशन निर्यातक बनो। और आपको आश्चर्य होगा ये पता करके कि एक साल में 10,000 से ज़्यादा नए एक्सपोर्टर बने राजस्थान में, जो कि राजस्थान पे अपना सामान बनाएंगे, उनको हिस्से सीधे एक्सपोर्ट करेंगे, उनका प्रशिक्षण करना, उनको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करना। मैं REPC का भी चेयरमैन हूँ, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, उसके माध्यम से हम लोग करते हैं। और कोरोना का जो मैनेजमेंट राजस्थान में हुआ था वैसा मैनेजमेंट किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ। और मैं इस ये बात को इतनी गंभीरता से कह रहा हूँ कि बम्बई जैसे शहर में, जिसको बहुत व्यवस्थित शहर माना जाता है, महाराष्ट्र की सरकार को बहुत आधुनिक और बहुत कार्यकुशल माना जाता है, वहाँ 6-6 महीने तक वर्कशॉप फैक्ट्रियाँ खुली नहीं थी। और राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट के समय के अंदर सीतापुरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, विश्वकर्मा है, झोटवाड़ा है, उसके अंदर जो कारीगर काम करते थे उनको आने जाने के लिए बस की व्यवस्था कराना, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो अपना काम कर सकें, इसका प्रबंध राजस्थान सरकार ने करा। और उसका लाभ ये हुआ कि एक साल में राजस्थान का एक्सपोर्ट 37% ग्रो करा, 37%। आज से 20 साल पहले 400 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता था, आज 78,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है। 2018 में जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार आई थी तब हम 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, और ये सब साल खत्म होगा तब तक 80,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत फिगर्स जो सर आप बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा फासला है उसमें जी। 2030 का जो मुख्यमंत्री ने विजन रखा है उसमें क्या टारगेट? 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। और मैं विश्वास के संग यहाँ पे ये बात बोल के जा रहा हूँ, अगले साल 2 साल के अंदर हम 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। और
पूरे देश के अंदर एक औद्योगिक क्रांति के राज्य के रूप में राजस्थान को जाना जाएगा। एमएसएमई सेक्टर 64-65% लोगों को रोजगार देता है। अगर 2,000 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री लगती है उसका भी स्वागत है, 2 करोड़ की 1,000 इंडस्ट्री लगती है, 1 करोड़ की 2,000 इंडस्ट्री लगती हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो रोज़गार उपलब्ध हो। आपकी जो कलाएं हैं पहले समय से चलती आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी का विजन देखिए आप। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जयपुर के अंदर 27 तारीख को मीटिंग करी जिसमें जवाहरात के कारीगर, जिसमें छपाई करने वाले लोग, हस्तशिल्प के कारीगर, जवाहरात व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, जो कि लाखों लोग जयपुर के अंदर जुड़े हुए हैं, उनसे उन्होंने संवाद करा। बीकानेर गए तो आपको मालूम है बीकानेर भुजिया रसगुल्ले बहुत फेमस है, क्योंकि आप जो आर्ट का जिक्र कर रहे हैं राजस्थान की आर्ट का और यहाँ का जो शिल्पियाँ हैं, हैंडमेड चीज़ें हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें कैसे पहचान मिले और इसको लेकर जो राजस्थान में गहलोत सरकार है वो क्या कर रही है? आपका डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए क्योंकि उसी का मेन रोल है। जी, पिछले एक साल में जब से REPC बनी राजस्थान में एक्सपो प्रमोशन काउंसिल, हमने पहला इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर के अंदर करा। उसमें पूरी दुनिया से लोग आए और राजस्थान के जो कारीगर हैं, जो व्यापारी हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको अपनी कला दिखाने का मौका मिला। उसके बाद अभी 3 महीने पहले मैं 175 एक्सपो के इसका दल लेके नैरोबी गया केनिया के अंदर, जो ईस्ट अफ्रीका एक्सपो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा। पहली बार राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरीके का कार्यक्रम करा गया। ये भविष्य के अंदर अगले 4, 5, 6, 7 साल में, क्योंकि एक रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बनाया है, हम चाहेंगे कि राजस्थान का जो खुद उत्पादन करता है वो इस देश में और विदेशों में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले प्रदर्शनियों के अंदर भाग ले, वहाँ से ऑर्डर्स लेके आए और इस देश के लिए सबसे आवश्यक फॉरेन करेंसी जो होती है उसको अर्न करे। इसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। सर, रिसेंटली आपने 1 district 1 project विंडो लॉन्च की है, इसका क्या मकसद है, कैसे ये आगे काम करेगा युवाओं को जो इंटरेस्टेड हैं MSME में, जो चाहते हैं कि हमारा नया उद्योग वो सेटअप कर सकें, उनको कितनी मदद मिलेगी इससे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 1 district 1 project, जिस जिले के अंदर जो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती हो, जिसमें परंपरागत रूप से वहाँ पे कारीगर काम करते हों, उन चीज़ को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो कला लुप्त ना हो। उसका कैसे मॉडर्नाइजेशन हो, उस पर कैसे स्किल ट्रेनिंग दी जाए, इसको देखते हुए हर जिला जो राजस्थान में, पहले तो 33 जिले थे, अब 50 जिले हो गए हैं, अब 50 जिले के अंदर 1 district का 1 project आइडेंटिफाई करा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के अंदर राजस्थली एम्पोरियम में उसे 1 district 1 project को हमने लॉन्च करा। जयपुर जो है वो अपनी ज्वेलरी के लिए और ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये 2 कलाओं को हमने यहाँ पे चुना है। यहाँ पे कठपुतली नगर के हमारे साथी बैठे हुए हैं, कठपुतली बनाने की कला है, पपेट मेकिंग की, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से कैमिल हाइक है बीकानेर के अंदर, फर्नीचर है जोधपुर के अंदर, कहीं पे पिछवाई बनी जाती है, कहीं पे हमारे रंगाई का काम होता है अच्छा, कहीं पे बंदेज होती है। इन सब कलाओं को कैसे प्रमोट करा जाए, उनके कैसे क्लस्टर बनाए जाएं, उनकी क्या मूलभूत आवश्यकता है, उनको रॉ मटेरियल कब मिलता है, उनको टेक्निक नहीं मालूम है, उनके पास मार्केट नहीं है, वो एक्सपोर्ट करने में घबराते हैं, तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक असाधारण प्रोग्राम है। इसके लिए एक बहुत बड़ा जयपुर के अंदर और राजस्थान के बड़े शहरों के अंदर एक यूनिकी मॉल बनाया जाएगा जी, यूनिकी मॉल के माध्यम से इसका विपणन होगा। क्योंकि आपने पपेट मेकिंग का जिक्र किया, आपने ज्वेलरी का जिक्र किया, जिनको लेकर राजस्थान की तरफ लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। एक और चीज़ है, मैं अभी हाल में ही देख रही थी कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग का एक ट्रेंड चल गया है और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि लोग राजस्थान घूमने के लिए, कल्चर को समझने के लिए और जो यहाँ का फेमस फूड है एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं। इसको लेकर टूरिज्म के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, क्योंकि हमने पिछले समय से देखा है बहुत तरक्की हुई है, आगे ये जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ। हालांकि देखते हैं हम फॉरेन से जो गेस्ट हैं वो आते हैं राजस्थान को देखते हैं, उसमें और ज़्यादा अगर वृद्धि हो तो उस दिशा में क्या काम किया जा रहा है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से और कांग्रेस सरकार की तरफ से?
देखिए, मैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का और होटल कॉरपोरेशन राजस्थान का भी चेयरमैन रहा हूँ। राजस्थान पधारो हमारे देश हमारा स्लोगन है। जो बाहर से लोग घूमने के लिए आना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और राजस्थान में क्या दिख जाए ये भी सब लोग जानते हैं। तो जब एक टूरिस्ट राजस्थान में आता है उससे 18 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलता है एक टूरिस्ट के आने से। रिक्शा चलाने वाला हो, टैक्सी चलाने वाला हो, होटल में काम करने वाला वेटर हो, एक रसोईया हो, होटल के कमरे हो, टैक्सी हो, इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत प्लानिंग करके, मैं टूरिज़्म की जो एडवाइजरी काउंसिल है केंद्र सरकार की उसका भी सदस्य रहा, हम लोगों ने वेगिंग को एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बताया कि राजस्थान के अंदर अगर आप यहाँ पे आके शादी करते हैं तो जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, उससे खूबसूरत जगह शादी के लिए नहीं हो सकती। आप देखते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्म अभिनेत्रियाँ, सेलिब्रिटीज़, राजनेता यहाँ पे आके शादी करते हैं। उसको शादी करने से यहाँ पे बनाने वाले जो खाना बनाने वाले हलवाई हैं, पकवान बनाने वाले हैं, उनको काम मिलता है, फ्लावर डेकोरेटर को काम मिलता है, हाथी घोड़ी उनके ऊपर जो सवारी कराते हैं उनको काम मिलता है, जो यहाँ का राजस्थान का लोक संगीत है। यानी कि गुड गवर्नेंस की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। हमने तो कलाकारों को 5,000 रुपये की घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने कि अगर आप कोई अपने वाद्य यंत्र खरीदना चाहें उसके लिए 5,000 रुपये के आप खरीद सकते हैं, राज्य सरकार पैसे देगी। जो हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं वो अपने औजार खरीदना चाहें तो उसके लिए विश्वकर्मा एक योजना बनाई है, उसके लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। 3,00,000 रुपये तक का आपको ऋण मिलता है, बिना ब्याज के मिलता है। हैंडलूम के वर्कर्स को इस तरीके की सुविधा है। सर, आप बहुत अच्छी बातों का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो ये योजनाएं हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, या फिर युवा जो चाहते हैं, क्योंकि आप भी मानते होंगे कि उद्योग किसी भी राज्य की कमर होती है, और बहुत आज की संख्या में युवा हैं जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से योजनाएं हैं लेकिन उनको उसकी जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में कैसे इम्प्लीमेंट वो हो पाता है? आप लोगों की तरफ से क्या और किस तरह से ये कोशिश रहती है कि युवाओं को पता भी लगे हमारी योजनाओं की? युवाओं को रोज़गार मिले वो तो महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार चाहती है कि युवा खुद उद्यमी बने, खुद के लिए तो व्यवसाय शुरू करें साथ साथ अन्य लोगों को रोज़गार दें। ये उद्यमिता जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं भी पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करा था आमपाली ज्वेल्स के नाम से, 400 रुपये से आज 2,000 लोग काम करते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये प्रेरित करता हूँ कि अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप को बहुत महत्व दिया है। हमारे यहाँ पहले 3 साल अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो कोई भी इंस्पेक्टर आपके पास नहीं जाएगा, आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। स्टार्टअप की काउंसिल बनी हुई है, स्किल ट्रेनिंग देते हैं हम, उनको फंडिंग देते हैं जो काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं, रिको उसके लिए काम करता है, RFC उनके लिए काम करता है। इसी वजह से मैंने बताया आपको कि राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़ा है। राजस्थान पूरे देश में 2nd नंबर पे, नॉर्थ इंडिया में 1st नंबर पे है आर्थिक विकास में। 11.04% के हिसाब से हम विकास कर रहे हैं। ये लोगों को आश्चर्य होता है सुन के, एक लैंड लॉक स्टेट है जहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। तो मैं रासिको में रहते हुए हमने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शुरू करे, हम 5 नई ICT शुरू कर रहे हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, ये सब इसी काम के लिए है कि राजस्थान से व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। जी राजीव जी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सरकार बहुत काम कर रही है लेकिन BJP कह रही है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पर काम नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? जनता से जाके पूछे, हमारी महिलाएं, हमारे युवा इस सरकार की जो नीतियां बनी हैं उनसे कितने ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। ये एक सरकार ऐसी है जिसकी नीति और नियत के अंदर फ़र्क नहीं है। अभी जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले चिरंजीवी योजना की, मेरे को मालूम है कि मैं युवा अवस्था से मुख्यमंत्री जी के संग 50 वर्ष से काम कर रहा हूँ। वो जब मुंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, अस्पतालों में जाते थे, वहाँ पर जो राजस्थानी अस्पताल में रहते थे उनकी कुशल से हम पूछते थे, उनके दिमाग में एक विचार था कि क्यों इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़े राजस्थानी को, शिक्षा के लिए क्यों बाहर जाना पड़े। उन्होंने आते ही कहा पहले कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। तो राजस्थान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं किसी दूसरे प्रदेश में नहीं बनी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ जो मना है, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं मुझे मालूम है, तो जब कौन साहब बैठे हुए हैं सामने, तो जब जब यहाँ पे कोई इलाज कराने के लिए आता है
25 लाख रुपए का इलाज फ्री है। मैं अंगदान के क्षेत्र में काम करता हूँ ऑर्गन डोनेशन पे। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि अगर आपको अंग प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं, राजस्थान के बाहर जाके कराना चाहते हैं, तो उसको आने जाने का जो पैसा है वो भी राज्य सरकार देगी 1 लाख रुपया और 25 लाख रुपये उस पर खर्च करेगी। ऐसी योजना किसी प्रदेश के पास है? राइट टू हेल्थ राजस्थान ने लागू करा है, अन्य राज्यों को लागू करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक अस्पताल में जाकर लोगों से आप पूछिए कि आपको उनकी योजना का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। युवा से कॉलेज में जाके पूछिए कि आपको राजस्थान की सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं उससे आपको अपना भविष्य उज्ज्वल नज़र आता है कि उज्ज्वल नज़र आता है। लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, नागपुर और पूना बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, आज महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा यहाँ पर फ्री है। सर, गुड गवर्नेंस के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? पहले की अगर बात करें 2018 से पहले जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब से और 2018 के बाद क्या क्या फर्क आया? एक बार फिर से मौका सर, राजस्थान नई ऊंचाइयों पे पहुंचा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बजवर्ड बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। मैंने आपको बताया 5 साल तक अगर आप कोई उद्यम शुरू करते हैं, आपकी कोई जाँच नहीं होगी, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये दुनिया में उदाहरण है, देश में नहीं दुनिया में उदाहरण है। जब रिप्स 22 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 22 जो राजस्थान सरकार ने निकाली है, उस स्कीम को आप पढ़ेंगे तो वो देश की सबसे ज़्यादा अच्छी औद्योगिक नीति है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके राजस्थान में काम शुरू करना चाहते हैं, 25 लाख रुपये का अगर आप बैंक से ऋण लेते हैं और बैंक वाला आपसे 9% ब्याज चार्ज करता है, 8% राजस्थान की सरकार वापस करती है। 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक आप करते हैं तो 7% वापस करती है। 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो 6% वापस करती है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना इतनी शानदार योजना है और राजस्थान सरकार के रिप्स की योजना के तहत अगर आप उद्योग लगाते हैं, SGST जो होता है, अगर 18% कोई GST लगता है तो 9% जो GST है। सर, आप योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया, अगर मैं राजस्थान की निवासी हूँ, मैं अपना छोटा कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ तो मुझे क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप काम शुरू करो, बैंक से लोन लो, रिप्स को या मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अप्लाई करो, जो आप पैसा लगाओगे उसके ऊपर भी ब्याज आपको वापस मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले इन्वेस्ट राजस्थान करा था 2022 के अंदर, 13 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। पूरे देश में जहाँ भी इस तरीके के सम्मेलन होते हैं 10 से 15% उद्योग धरातल पर आते हैं। राजस्थान एकमात्र राज्य है यहाँ पे 50% से ज़्यादा उद्योग धरातल के ऊपर आए हैं। ये हमारी गुड गवर्नेंस बताता है, लोगों का राजस्थान सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस बताता है, उद्योगपतियों का ये मान के चलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान देश में नंबर वन है, दुनिया में नंबर वन बनेगा, चाहे सौर ऊर्जा हो चाहे वो विंड ऊर्जा हो। राजीव जी, क्योंकि आपने जिक्र लोन का किया तो मुझे लगता है कि लोन से इस वक्त अगर हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति क्या है, क्योंकि आने वाले समय में ये मुद्दा उठने वाला है। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम सरकार में रिपीट करेंगे, ये तो जनता के मन में है, जनता तो किसे राजस्थान जनता की सत्ता पर बिठाती है, वो जनता लगते रहे हैं कि भाई आप तो खजाना खाली करके चले गए, राजस्थान के खजाने में कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति? जनता का आशीर्वाद 100% मिलने वाला है, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम जो नीतियाँ राजस्थान की सरकार ने दी हैं, उनको डर है क्योंकि दूसरी सरकार आएगी तो वो आगे कंटिन्यू होएंगी नहीं। कैसे लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, कैसे किसानों का ध्यान रखा जाएगा, कैसे महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा, कैसे लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा। ये जो वित्तीय जो स्थिति की बात कर रहे हैं, जो हम टैक्स कलेक्शन करते हैं वो एक हमारा रेवेन्यू का साधन होता है। पूरे देश की जितनी भी सरकारें हैं वो समय समय के ऊपर लोन भी लेती हैं और उसको लोन को लेने से पहले कोई भी 1 रुपए का भी लोन केंद्र सरकार की अनुमति से प्लानिंग कमीशन के सामने बिना गए हुए RBI की बिना अनुमति के नहीं मिलता है। ये अगर आपका अच्छा वित्तीय प्रबंध होता है तभी आपको संस्थाएं आगे बढ़ के लोन देती हैं। तो ये जो अच्छा वित्तीय प्रबंधन है उसकी वजह से ये योजनाएँ लागू हो पा रही हैं। आगे भी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, दो योजनाओं की चर्चा मुझे लगता है कि देश भर में हो रही है, एक फ्री बिजली और एक महिलाओं को स्मार्टफोन। क्या इन दो योजनाओं के जरिए के बलबूते कांग्रेस सरकार ये दावा कर रही है कि राजस्थान में वो रिपीट करेंगे? ये तो उन सैकड़ों योजनाओं में से वो दो योजनाएं हैं जिनकी वजह से हम रिपीट हो रहे हैं।
जिसकी वजह से हमको पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता इस मुख्यमंत्री को, इस सरकार को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, जनता का प्यार कॉन्फिडेंस के रूप में या फिर ओवर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के जनता के पास कह रहे हैं कि हमने महंगाई राहत शिविर लगाया, अगर आपको लगता है कि महंगाई राहत शिविर का आपको फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे को साथ दो। ये जो आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, जब एक पढ़ी लिखी युवा, हमारी एक छात्रा या हमारी एक महिला के पास मोबाइल फ़ोन पहुँचेगा, जिसके पास 3 साल की कनेक्टिविटी फ्री होगी, वो योजना का लाभ उस स्मार्टफोन से उठा पाएगी, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी अपनी योजना का लाभ उठाने के लिए। तो राजस्थान की सरकार आपके घर पहुंच गई है, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। और अगर 100 यूनिक बिजली फ्री करी जाती है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत सारी हमारी ऐसी कच्ची बस्तियाँ हैं, ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर लोगों के पास बिल भी नहीं आएगा या नामात्र का बिल आएगा। इस यूनिट बिजली का आप जो जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में लाइट को लेकर क्या स्थिति है, क्या संकट है, ये सभी किसी से छिपा नहीं है, और डिस्कॉम के कर्जे भी हैं जो सबके सामने हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता ये योजना और ज़्यादा हालत कमज़ोर करेगी? मैंने अभी आपको क्या कहा था कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस देश में भी रखता है। जिस तरीके का हम पावर जनरेशन राजस्थान में हमने शुरुआत करी है, आने वाले समय के अंदर राजस्थान में इसीलिए रोड मैप बनाना पड़ता है। 2030 की बात क्यों करी गई, इसलिए करी गई, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जो चित्रकार होता है वो एक कैनवस के ऊपर एक ड्राइंग बनाता है पहले, उसके अंदर धीरे धीरे रंग बढ़ता है, इसलिए रोड मैप बनाने के लिए 5-7 साल की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में राजस्थान बिजली उत्पादन में सरप्लस होगा, हम न केवल अपनी बिजली के लिए पूरा करेंगे बल्कि अन्य राज्यों को बिजली। अच्छा, रिपीट अगर करते हैं, ये तो बात बिजली की हो गई जो आप पहले से ही दे रहे हैं 100 यूनिट फ्री, पानी के जो बिल हैं उनको लेकर भी क्या लोगों को कुछ राहत मिलेगी? पानी के बिल और पानी के कनेक्शंस कई जगहों पर नहीं है। अभी आपने पहले ही आपके कुछ चर्चा हो रही थी, मैं उसको सुन रहा था। राजस्थान की 13-14 जिले जो ईस्टर्न राजस्थान में आते हैं, उनकी एक लंबे समय से डिमांड है कि ERCP आए। आपको मालूम है कि आज से 25 साल पहले जब मैं जोधपुर जाता था वहाँ पे पानी की इतनी कमी थी, आज अगर आप तहखाना खोदते हैं जोधपुर के अंदर तो पानी निकल के आता है। राजस्थान कैनाल का पानी जो प्रबंधन हुआ है उसकी वजह से आने वाले समय के अंदर पानी की कमी पूरी होगी। बीसलपुर के गैम से अजमेर को पानी मिल रहा है, जयपुर को पानी मिल रहा है। अभी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, ईश्वरदा के बांध से पानी लाके जयपुर के रामगढ़ बांध को भरेंगे, जो कि पहले यहाँ के स्रोत होता था। तो आने वाले समय इसीलिए एक सपना देखा जाता है, एक विजन देखा जाता है, एक चित्र बनाया जाता है। अगर 21वीं शताब्दी जो एशिया की शताब्दी है उसको भारत की शताब्दी बनाना है तो राजस्थान की तरह हर राज्य को अपना एक विजन बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो मेरा सोचना यह है, राजस्थान ने शुरुआत करी है जी। राजस्थान ने इसमें लीडर बनाया है, लीडरशिप दी है, अन्य राज्य उसको फॉलो करें। बिल्कुल, क्योंकि MSME सेक्टर को लेकर मैंने शुरुआत आपसे की थी। MSME सेक्टर, हम कोरोना टाइम को जब याद करते हैं तो हमने देखा MSME सेक्टर में लोगों को बहुत नुकसान हुआ, हालांकि अब लगातार सरकार काम कर रही है, और कोरोना के समय में हमने सरकार का यहाँ मैनेजमेंट भी देखा और किस तरह से सरकार जो है वो उन स्थितियों को मैनेज करती हुई नज़र आई, ये भी सबके सामने है। लेकिन MSME सेक्टर में उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ। अब अगर आज के समय में बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम कैसे लोग अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके, कैसे अपने आइडियाज़ को सामने रख सके, उसको लेकर सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है, अभी इस वक्त MSME सेक्टर में क्या चैलेंजेस जो है जो फेस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि MSME सेक्टर पूरे देश के अंदर प्रभावित हुआ था, लेकिन राजस्थान में सबसे कम मजदूरों का पलायन हुआ। ये मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, कोरोना का अच्छा मैनेजमेंट होने के कारण एक व्यक्ति भूखा नहीं सोया, उसके लिए हम लोगों ने प्रबंध करा, राज्य सरकार ने काम करा। मैं जयपुर सिटीजन फोरम का चेयरमैन हूँ, हमारी जैसी बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं ने काम करा, हॉस्पिटल में खाने भिजवाए, मेरी खुद की संस्था ने 2 ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए जयपुर अस्पताल के अंदर और RUHS के अंदर। राजस्थान खुद प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, रभीलवाड़ा मॉडल राजस्थान। इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में जो काम हुआ वैसा किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ, इसीलिए हम चैलेंज से बहुत जल्दी उभर के बाहर आए हैं। उस वक्त बहुत लोगों की हमारे बीच से चले गए, वो भी हमको मालूम है, लेकिन
जितनी पटरी पे अर्थव्यवस्था राजस्थान की वापस आई है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर नंबर वन और पूरे देश के अंदर तेलंगाना के बाद नंबर दो औद्योगिक गति से प्रगति कर रहा है राजस्थान सरकार। और मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएँ हैं खासतौर से स्मॉल आर्टिजन्स के लिए, पहली बार हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी बनी, हस्तशिल्प नीति राजस्थान सरकार ने लागू करी, जिसमें क्लस्टर की योजना भी है, जिसमें हस्तशिल्पियों को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है, हैंडीक्राफ्ट के लिए एक निदेशालय जोधपुर के अंदर स्थापित करा गया है। तो आपको मालूम है कि जोधपुर अपनी वुगन आर्ट के लिए, वुगन हैंडीक्राफ्ट के लिए, वुगन फर्नीचर के लिए पूरी दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर के अंदर ही एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर REPC के माध्यम से जल्दी आने वाला है, मुख्यमंत्री जी ने जमीन देने की घोषणा कर दी है, जैसा सेंटर जयपुर के तरफ बना हुआ है। तो ये सब जो योजनाएं हैं उनके संग संग दो फेयर, एक जोधपुर में और एक जयपुर के अंदर भविष्य के अंदर लगा करेगा REPC के माध्यम से, जिसमें क्राफ्ट्समैन को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय या देश की एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए जाएंगे जो हमसे अप्रूव गए, तो आपके स्टॉल का आधा खर्चा राज्य सरकार। अच्छा, महिलाओं के लिए सर, आपने महिलाओं के लिए कई योजनाएं राजस्थान की गहलोत सरकार ने शुरू की। जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो क्या कुछ फिगर आप प्रेजेंट कर पाएंगे? और यहाँ पे भी कई लड़कियां बैठी हैं जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जरूर बनना चाहेंगी, कईयों ने सपना देखा होगा, उनके लिए क्या? देखिए, जो योजनाएं हैं वो सब योजनाएं जो मैं बता रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट्स के जुड़ी हुई, कला से जुड़ी हुई, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता है, कोई फैब्रिकेशन का काम करता है, गारमेंट बनाने का काम करता है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं और युवाओं को फोकस रख के योजनाओं को बनाते हैं, उनके चारों ओर बनते हैं। एक शिक्षित महिला होती है तो शिक्षित परिवार होता है, शिक्षित समाज होता है, इस बात को वो अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए राजस्थान के अंदर चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी बना हो, ICT बना हो, ये इसमें ज़्यादातर बच्चे हमारे पढ़ने वाले फीमेल हैं और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई भी फैशन ज्वेलरी का ब्रांड जो है वो जयपुर से, राजस्थान से प्रोक्योर करता है सामान। पूरे आज से 30-40 साल पहले जयपुर से लाखों रुपए का खाली ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता था, स्टोन्स का एक्सपोर्ट होता था। आज की तारीख में देश का 50% से ज़्यादा सिल्वर ज्वेलरी का, फैशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जयपुर के एयरपोर्ट से होता है, क्योंकि राजस्थान में खाली एक ही एयरपोर्ट है जिससे आप एयर कार्गो से सामान भेज सकते हैं। दूसरा एयरपोर्ट शीघ्र ही एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स उदयपुर में बनने वाला है, ये मैंने शुरुआत करी थी, उसकी सेंक्शन मिल गई है, वो वहाँ पर शुरू होगा। ये सारी जो योजनाएँ हैं ये महिलाओं और युवाओं को सोच के बनाई हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की महिला, जब देश आज़ाद हुआ था सबसे कम शिक्षित थी, सबसे पिछड़ी मानी जाती थी, आज राजस्थान की महिलाएं सबसे अग्रणी हैं और सबसे कॉन्फिडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है और मैं चाहूँगी कि इसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। मिशन 2030, जब कल मैं आ रही थी तो मैंने जब जयपुर में एंट्री ली तो मैंने देखा कि हर जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं, राजस्थान मिशन 2030। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे लोग भी मौजूद हैं, आप लोगों को सुझाव भी खूब दिए जा रहे हैं राजस्थान की जनता की तरफ से कि क्या बदलाव और किस तरह का डेवलपमेंट वो चाहते हैं। इन 7 सालों में राजस्थान को सरकार का जो लक्ष्य है नंबर वन राज्य बनाने का है, क्या बदल जाएगा, लोगों के लिए क्या आसान हो जाएगा, किस स्तर पर, किस लेवल पर बदलाव और विकास होगा? एक योजना मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जब प्रधानमंत्री थे बनी थी, आनंद शर्मा जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, गैली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गैली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। ये जो गैली मुंबई का मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने वाला है उसका 40% भूभाग राजस्थान से होकर निकलता है जी। जिस दिन ये योजना पूरी हो जाएगी, हम किसी इंडस्ट्रीज को बुलाने जाने की जगह उनको लगेगा कि ये सबसे योग्य स्थान है राजस्थान के अंदर आके उद्योग लगाना, तो राजस्थान का दिशा बदलेगी, यहाँ पे इस कदर उद्योग लगेंगे। अभी क्या करा जा रहा है, हम क्लस्टर की योजना बजा रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम माइंस मिनरल के किस क्षेत्र के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान का उदयपुर डिवीज़न हो, जोधपुर डिवीज़न हो, बीकानेर डिवीज़न हो, उनके अंदर क्या चीज़ें बढ़ सकती हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है
एनर्जी हो, बिजली हो, पानी हो, उद्योग हो, उसके क्षेत्र के अंदर राजस्थान तेजी से उन्नति करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को किस तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है इससे ज़रूर ये जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।